नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। बिटकॉइन की बड़ी रैली की कोशिश बुधवार को विफल हो गई, लेकिन क्रिप्टो $27,000 के स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा और पिछले 24 घंटों में 1.4% की बढ़त के साथ $27,280 पर ट्रेड कर रहा था। ईथर सिमिलर टाइम फ्रेम में 0.5% ऊपर $1,645 के आसपास ट्रेड कर रहा था। US फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी बुधवार को अपनी 2 दिवसीय पॉलिसी मीटिंग समाप्त करेगी। FOMC से यूनिवर्सली उम्मीद की जाती है कि वह अपने बेंचमार्क फंड रेट को 5.25% से 5.5% की सीमा पर स्थिर रखेगा, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ध्यान मॉनेटरी पॉलिसी की भविष्य की दिशा के बारे में क्लूज के लिए सेंट्रल बैंक के अपडेटेड इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस और चेयरमैन जेरोम पावेल की पोस्ट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्रित होगा। FOMC की अगली मीटिंग नवंबर की शुरुआत में है और इन्वेस्टर्स वर्तमान में स्थिर पॉलिसी जारी रहने की 70% संभावना पर मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। अपडेटेड इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस या पावेल टिप्पणियों के प्रति अप्रत्याशित रूप से आक्रामक झुकाव क्रिप्टो और ट्रेडिशनल मार्केट्स दोनों के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। इथेरियम डेवलपर्स 15 सितंबर को अपना नया टेस्टनेट होल्स की शुरू करने में विफल रहे, जिससे मर्ज अपग्रेड के लॉन्च में देरी हुई। नेटवर्क के कोर डेवलपर्स ने इसकी एक जेनेसिस फाइल में गलत कॉन्फ़िगरेशन की सूचना दी, जिसके कारण बेहतर अंडरस्टैंडिंग और रिकवरी की अनुमति देने के लिए लॉन्च को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया। इथेरियम को होल्सकी के हालिया लॉन्च में एक रेयर सेटबैक आया है, जिससे स्केलिंग के मुद्दों को कम करने और इसके अगले हार्ड फोर्क डेनकन के लिए महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। डेवलपर्स ने मेननेट की तुलना में दुगने वैलिडेटर्स को नेटवर्क में शामिल होने की अनुमति देने की योजना बनाई है। होल्सकी को इथेरियम के अगले हार्ड फोर्क डेनकन के लिए भी महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, जो एक स्केलिंग फीचर प्रोटो डैन शेयरिंग लॉन्च करेगा। होल्सकी के लॉन्च में सेटबैक से डेनकन के समय पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। लॉन्च का उद्देश्य इथेरियम के हिस्टोरिक इवेंट मर्ज की पहली एनिवर्सरी को चिन्हित करना था, जहां ये प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन बन गया। क्रिप्टो वैली वेंचर कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी ने 2023 में ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंडिंग शेयर में अपने ऑल टाइम हाई को पार कर लिया है। ग्लोबल ब्लॉकचेन मार्केट के परफॉर्मेंस में गिरावट के बावजूद देश के ब्लॉकचेन सेक्टर्स ने 34 डील्स में $355 मिलियन का निवेश किया, जो साल दर साल 3% की वृद्धि है। द जर्मन ब्लॉकचेन रिपोर्ट 2023 टाइटल वाली रिपोर्ट ग्लोबल ब्लॉकचेन मार्केट में देश के महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। जर्मनी ने ब्लॉकचेन के लिए ग्लोबल फंडिंग में अपनी रिकॉर्ड शेयर को पार कर लिया है। 2023 में 2.4% ग्लोबल फंडिंग और 2.5% ग्लोबल डील्स को आकर्षित किया है, जबकि 2022 में ये 0.9% थी। यूरोप में जर्मनी ने यूरोप बेस्ड ब्लॉकचेन फंडिंग का 9.4% और सभी यूरोपियन ब्लॉकचेन डील्स में से 10.3% हासिल किया। हालांकि ये प्रोग्रेस ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंडिंग में गिरावट के बीच आई है, जिसमें पिछली 4 क्वार्टर पीरियड की तुलना में फंडिंग में 62% की गिरावट और डील्स में 44% की कमी आई है। फंडिंग और डील्स में ग्लोबल डाउनटर्न के बीच जर्मनी की फंडिंग में प्रोग्रेस हुई है। जर्मन गवर्नमेंट द्वारा समर्थित फ्यूचर ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल मोबिलिटी प्रोजेक्ट का नेतृत्व इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी बॉश द्वारा किया जा रहा है, और जर्मनी के म्यूनिक में IAA मोबिलिटी 2023 में इसका लाइव प्रदर्शन किया गया था। इवेंट में बॉश ने एक पीयर टू पीयर पार्किंग और चार्जिंग सिस्टम का अनावरण किया, जो मोबिक्स और पीक नेटवर्क जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर पीक इकोसिस्टम पर मूव आईडीज का उपयोग करता है। मूव आईडीज की मदद से, जो ब्लॉकचेन पर आधारित सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटीज हैं, कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्स ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस पर कर सकती हैं। IAA मोबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन ने स्मार्ट ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग सिग्नल सहित लिंक किए गए डिवाइसेस के बीच ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के कान्हा पेंच कॉरिडोर में स्थापित ट्रेल गार्ड AI कैमरा अलर्ट सिस्टम का उपयोग वन्य जीव अधिकारियों द्वारा शिकारियों को पकड़ने के लिए किया गया है। सिस्टम जो जंगली जानवरों की गिनती करने और शिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंफ्रारेड सेंसर्स का उपयोग करती है, ने वन अधिकारियों को अवैध शिकार के लिए दोषी ठहराने में मदद की है। ये सिस्टम भारत के सबसे अधिक पॉपुलर टाइगर जोन में पहली बार उपयोग में लाई गई है, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में AI की क्षमता को प्रदर्शित करती है। ट्रेल गार्ड AI कैमरा अलर्ट सिस्टम टाइगर्स और एलिफेंट्स के सर्विस और सेंसस काउंट के लिए उपयोग किए जाने वाले रिमोट कैमरा सेटअप के लिए एक नया दृष्टिकोण है।
पेन के आकार के स्लिम डिवाइसेस नोटपैड के आकार की एक कम्युनिकेशन यूनिट से जुड़े होते हैं और इसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जिसे इंटरेस्ट की स्पेसिफिक स्पीसीज की तस्वीरें लेने का निर्देश दिया जा सकता है। सिस्टम को मनुष्यों या शेर, बाघ और चीता जैसी इंटरेस्ट की स्पीसीज को पकड़ने के लिए सेट किया जा सकता है। अगर कैमरा सेलफोन टावर की सीमा के भीतर है तो ये 30 सेकंड के भीतर तस्वीरें भेज सकता है, जबकि अगर इस सीमा से बाहर है तो ये लंबे प्रोटोकॉल पर भरोसा कर सकता है जिसमें 3 से 10 मिनट लगते हैं। ट्रेल गार्ड सिस्टम के विकास और परीक्षण में शामिल रिसर्चर्स और डेवलपर्स ने बताया कि मिड मई से मिड दिसंबर 2022 के बीच काना पेंच कॉरिडोर पर 12 और दुधवा टाइगर रिजर्व में 7 कैमरों का एक साथ परीक्षण किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चेतावनी दी कि जनरेटिव एआई लेबर मार्केट्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, संभावित रूप से क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और रूटीन टास्क को ऑटोमेट करेगा। WEF का सुझाव है कि बिजनेसेस और सरकारों को इन परिवर्तनों की तैयारी के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए, जैसे कि एक फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स विकसित करना और स्मूथ जॉब ट्रांजिशन सिस्टम्स लागू करना। रिपीटेटिव लैंग्वेज टास्क से जुड़ी नौकरियां डिस्ट्रप्शन के प्रति सबसे अधिक वल्नरेबल होती हैं, जबकि सब्सटैंशियल इंटरैक्शन या फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता वाले प्रोफेशनल्स कम प्रभावित होंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एक्सटेंसिव डेटाबेस पर ट्रेंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और साइंटिफिक एनालिसिस जैसी क्रिएटिविटी की आवश्यकता वाली भूमिकाओं में फायदेमंद हो सकते हैं। WEF एनालिसिस में पाया गया कि फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस और पेंशन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में LLM के साथ ऑटोमेशन और ऑगमेंटेड की सबसे अधिक क्षमता है। ये स्टडी गिटहब के कोपायलट, मिडजर्नी और ChatGPT जैसे टूल्स में रीसेंट एडवांसमेंट से मिलती है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमीज और लेबर मार्केट्स में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि लेबर मार्केट्स पहले से ही इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, ग्रीन ट्रांजिशन और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के कारण उथल पुथल का अनुभव कर रहे हैं। गूगल का बार्ड AI चैटबॉट अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है, जो इसे यूट्यूब, गूगल ड्राइव और गूगल फ्लाइट सहित गूगल के टूल के फुल सूट तक पहुंचने की अनुमति देता है। यूजर्स अब बार्ड से रियल फ्लाइट ऑप्शंस के साथ ट्रिप का प्लान बनाने या गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट से मीटिंग नोट्स को समराइज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस विकास का उद्देश्य ChatGPT की क्षमताओं को बढ़ाने और विभिन्न कार्यों में यूजर्स की सहायता करना है। गूगल का बार्ड एक AI चैटबॉट महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसमें अन्य गूगल सर्विसेज, मल्टीपल लैंग्वेज कम्युनिकेशन, फैक्ट चेकिंग कैपेबिलिटीज और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ब्रॉड अपडेट शामिल है। ये अपडेट इसके पब्लिक रिलीज के बाद से 6 महीने में सबसे बड़े हैं। ये अपडेट तब आया जब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI सहित अन्य तकनीकी दिग्गज परिकृत कंज्यूमर फेसिंग AI टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। गूगल अब बार्ड को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपने अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का उपयोग कर रहा है, जिसका लक्ष्य यूजर्स को ये विश्वास दिलाना है कि ऐसे टूल्स महज एक नौटंकी से कहीं अधिक है। OneRed ने हाल ही में रेस्टोरेंट चेन सैलडेज के साथ पार्टनरशिप का खुलासा किया। स्वास्थ्य भोजन को डिजिटल कलेक्टिबल्स के साथ जोड़ने के प्रयास में सैलडेज OneRed फूड वर्स में अपने नॉन फंजिबल टोकन्स को पेश करने की तैयारी कर रहा है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार यूजर्स लिमिटेड एडिशन सैलडेज NFTs खरीद सकेंगे, जिनमें से हर एक अलग सैलड क्रिएशन का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि सैलडेज NFTs OneRed के फूड वर्स में फैल जाएगा, जिससे कंपनी गेमर्स, कलेक्टर्स और एंथुजियास्ट के ग्लोबल ऑडियंस के सामने आ जाएगी। सैलडेज के कस्टमर्स OneRed के गेमिंग इकोसिस्टम में भाग लेकर अपने डिजिटल कलेक्टिबल्स को प्राप्त और एक्सचेंज कर सकते हैं। Web3 असम कलर्स ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से वर्ल्ड NFT डे 2023 के एक महत्वपूर्ण उत्सव की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। ये पहला इवेंट गुवाहाटी, असम में होगा और ये नॉन फंजिबल टोकन्स और सामान्य रूप से Web3 की दुनिया में बुनियादी शुरुआत और गहराई से उतरने का दिन होने का वादा करता है। दुनिया भर में मनाया जाने वाला वर्ल्ड NFT डे NFTs की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स का सहयोग करने, प्रदर्शन करने और जश्न मनाने के लिए क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, एक्सपर्ट्स और एंथुजियास्ट के रूप में पूरे Web3 कम्युनिटी को एक साथ लाता है। कलर्स ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में Web3 असम ने एक एजेंडा तैयार किया है जो उपस्थित लोगों को आकर्षित करने का वादा करता है, चाहे वे बिगनर्स हों या सीजन NFT वेटरन्स।
आफ्टरनून सेशन में एक इन्फॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव बिगनर्स वर्कशॉप के लिए NFTs के साथ इवेंट की शुरुआत होगी। नए लोगों को NFTs की दुनिया से परिचित कराने के लिए डिजाइन की गई ये वर्कशॉप NFTs के क्रिएशन, परचेज और ओनरशिप में आवश्यक इंसाइट्स प्रदान करेगी। टीजोस एक प्रमुख ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आर्ट और कल्चरल NFT स्पेस में अपनी भूमिका की खोज करते हुए सेंटर स्टेज पर आ जाएगा। साउथ कोरियन गेम स्टूडियो क्राफ्टन ने अपने अपकमिंग NFT ड्रिवन मेटावर्स गेम प्रोजेक्ट ओवरडेयर की घोषणा की है, जो दिसंबर में लॉन्च होगा और जनवरी और जुलाई 2024 के बीच रिलीज होगा। पहले प्रोजेक्ट मिगालू के रूप में जाना जाता था। ओवरडेयर एक क्रिएशन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है जो एपिक गेम्स के अनरियल इंजन 5 के साथ बनाया गया है और गेमर्स को अपने खुद के शूटर गेम, रोल प्लेइंग गेम और एक्शन RPG तैयार करने के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म यूजर्स को कस्टम अवतार बनाने और एक दूसरे के साथ चैट करने की भी अनुमति देता है। ओवरडेयर के लिए पहला ऑफिशियल टीजर ट्रेलर एक ओपन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म सुझाव देता है कि यूजर्स AI टूल्स का उपयोग करके गेम और एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं, यूजर जनरेटेड गेम्स खेल सकते हैं, वर्चुअल कॉन्सर्ट में भाग ले सकते हैं और अवतारों को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट क्राफ्टन और AR टेक फर्म नेवर जी के बीच एक जॉइंट वेंचर है। ओवरडेयर ने क्रिएट टू अर्न गेम इकोनॉमी की पेशकश करने की योजना बनाई है, जहां प्लेयर्स ट्रांसपेरेंसी और सिक्योर ट्रांजैक्शंस सुनिश्चित करते हुए NFTs के रूप में इन गेम डिजिटल एसेट्स खरीद और बेच सकते हैं। प्रोजेक्ट में क्राफ्टन की 85% हिस्सेदारी है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।